यहाँ पर शूटिंग हुई थी रंग दे बसंती फिल्म की, जो आमिर खान की फिल्म है। गाइस, स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। मैं आपका दोस्त काशिफ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ पर रंग दे बसंती फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वही ये लश्करी खान सराय है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए कितनी बड़ी यह सराय है। मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करूँगा, इसका डिज़ाइन दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका डिज़ाइन। गाइज, ये जो आप लश्करी सराय देख रहे हैं मेरे पीछे, ये गुरुद्वारा मंजी साहिब के करीब में ही है। तो ये यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ से बोर्ड भी लगा हुआ है। ये है लश्करी खान सराय। लश्करी खान सराय जो है ये बहुत बड़ी है। यहाँ पर दिल्ली और लाहौर से जो लोग आते थे वो इसी लश्करी सराय के अंदर रुका करते थे। इसके यहाँ का एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कितनी ऊँची ऊँची इसकी दीवारें हैं, और यहाँ पर बाहर से चारों तरफ से इसकी बाउंड्री हुई हुई है। जितने भी लोग हैं मुगल सराय को, वो ये कहते हैं कि रंग दे बसंती की जो शूटिंग हुई थी वो मुगल सराय में हुई थी। लेकिन उसकी शूटिंग मुगल सराय में नहीं, बल्कि रंग दे बसंती की शूटिंग सराय लश्करी खान में हुई थी। आप देख सकते हैं गाइज, ये जो आप सामने आलिशान सराय देख रहे हैं, इस सराय का नाम लश्करी खान सराय है। और इसका लश्करी खान सराय नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसको लश्करी खान ने बनवाई थी 1667 ईस्वी में, जब हिंदुस्तान पर औरंगज़ेब बादशाह की हुकूमत थी, तब इस लश्करी खान सराय को बनवाया गया था। ये इसका गेट देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा ये गेट है, और इसके अंदर दो गेट हुआ करते थे यहीं पर। और ये देखिए इसकी ऊंचाई देख सकते हैं, इस पर किस तरह से पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, किस तरह से इस गेट को सजाया गया है। यहाँ पर जो आर्मी होती थी, जो सैनिक दस्ता होता था, वो इन्हीं के अंदर रुका करता था। मतलब इस गेट से एंट्री होती थी, घोड़ों से वो लोग एंट्री करते थे। और यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा आपको कि इसमें किस तरह से डिज़ाइन बनाया गया है, किस तरह से ईंटों को इसमें सजाया गया है, गोल गोल ईंटों को सजाया गया है। और ये इसके बाहर का एरिया है जहाँ पर लोग रुका करते थे। ये सामने से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसमें छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं। और यहीं से मैं आपको ऊपर की तरफ लेकर चलता हूँ। ये तो गाइस, ऊपर की तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। ऊपर वाला पोर्शन इसका दिखाऊंगा, ये गेट का सेकंड गेट है जिससे हम एंट्री करते थे। ये भी गेट होता था उस टाइम पर, यहाँ को भी लोग आते थे। तो इसकी दीवारें देख सकते हैं, ये यहाँ वाला हिस्सा दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए, ये दुमंजिला गेट है, यहाँ से इसमें गेट में ऊपर जाने का रास्ता है। और ये देखिए इसकी हालत जो है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा फिलहाल, ये देखिए किस तरह की यहाँ पर मिट्टी, किस तरह की चूना मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था, तो वो भी आपको दिख जाएगा। ये यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका डिज़ाइन ये देखिए, गेट जो है काफ़ी ख़राब हो रहा है, यहाँ पर भी दिख जाएगा आपको ये इसी तरह का। और ये ईंटें देखिए कितनी ख़राब हो रही हैं, पूरी निकली हुई हैं। तो यहाँ से आप बाहर का एरिया देख सकते हैं। तो आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। देखिए इसकी ईंटें भी, ये गेट है यहाँ से, और यहाँ का बाहर वाला एरिया है जो आप देख सकते हैं। ये देखिए बाहर वाला एरिया है, और यहाँ पर देखिए यहाँ से पूरा दूसरा वाला गेट जो है वो सामने वाला गेट, यहाँ से सामने वाला गेट दिखाई देता है। ये यहाँ से देख सकते हैं आप, ये दूसरा वाला गेट आपको सेम इसी तरह का, इसी डिज़ाइन का गेट बना हुआ है। मोटी मोटी दीवारें हैं। तो आगे की तरफ लेकर चलता हूँ मैं। मुगल जनरल जो थे लश्करी खान, उन्होंने इसको लश्करी खान सराय को बनवाया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा। और यहाँ पर मुगलों की जो सेना थी, जो सैनिक दस्ता होता था, वो इसी लश्करी खान सराय में आकर रुका करता था। तो ऊपर की तरफ चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस, मैं आपको ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ। इसकी सीढ़ियाँ देख सकते हैं आप, कितनी मोटी मोटी सीढ़ियाँ हैं। ये ऊपर वाला पोर्शन है, और जो मैंने आपको गुंबद दिखाई है वो फिलहाल ख़त्म हो गई, यहाँ की जो बुर्ज था बना, बुर्ज बना हुआ था। और इसके छत पर अभी भी आपको यहाँ पर कलरफुल टाइल्स दिखाई देती है। देखिए ब्लू कलर की, ये जो लश्करी खान सराय आप देख रहे हैं, इसका व्यू चारों तरफ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर चारों तरफ हरियाली आपको दिखाई दे रही होगी, और सामने आपको दिखाई दे रही होगा इसका जो भाग है लश्करी खान सराय का। और यहाँ पर शूटिंग हुई थी रंग दे बसंती फिल्म की, जो आमिर खान की फिल्म है, उसकी यहाँ पर शूटिंग हुई थी, जिसकी वजह से ये लश्करी खान सराय काफ़ी सुर्खियों में आई।
और ये जो आप सामने वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर सैनिक दस्ता खड़ा होता था मुगलों का, जो इस पर चारों तरफ से नज़र रखा करता था। ये देखिए बाहर का आप नज़ारा देख सकते हैं, और इसी के पास में मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। यहीं से सामने आपको गुरुद्वारा दिखाई दे रहा होगा, वो देखिए यहाँ पर गुरुद्वारा मंजी साहिब है, जो यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं गुरुद्वारे की वजह से भी। और इसके अंदर से मैं आपको नीचे की तरफ दिखाऊंगा, और बाहर का हिस्सा आप यहाँ से देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत ये है बनी हुई है लश्करी खान सराय। चारों तरफ बसावट वाला एरिया इसके बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो लुक है, इसकी जो खूबसूरती है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो है आमिर खान बैठे हुए थे, आमिर खान के साथ में जो उनकी टीम थी पूरी, यहीं पर इस फिल्म की रंग दे बसंती की शूटिंग हुई थी। नीचे की तरफ आपको लेकर चलूँगा, और इसका नीचे का हिस्सा भी मैं आपको दिखाऊँगा। इसके अंदर एक कुआँ है, ये यहाँ से पानी वगैरह जाता था। और यहाँ पर ये जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं, इसी पर जो सैनिक दस्ता होता था, जो तीर कमान लेकर यहाँ पर मुग़लों की जो सेना थी वो यहाँ पर खड़ी होती थी। जब यहाँ पर औरंगज़ेब बादशाह आते थे तो यहाँ पर चारों तरफ से इस पर नज़र रखी जाती थी, जिससे कोई दुश्मन यहाँ पर अंदर ना सके। इसमें आम लोग भी आते थे, जो यहाँ पर खाना वगैरह की सारी फैसिलिटी होती थी, पानी की फैसिलिटी होती थी, यानी अगर कहा जाए तो हर चीज़ की फैसिलिटी इस लश्करी खान सराय में होती थी। ये सामने दिखाई दे रहा है गुरुद्वारा मंजी साहिब है, और ये देखिए यहाँ पर भी कुछ किसी तरह का कुछ बनाया गया है जो अभी बंद है। तो इसका चारों तरफ का हिस्सा आप देख सकते हैं, अभी भी ईंटें इसकी बरकरार हैं, और इसके अंदर जो है वो रिनोवेशन का काम चल रहा है। वीडियो बनानी इसके अंदर अलाउ नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बाहर वाला हिस्सा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका, ये पंजाब में है जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये सुनसान एरिया में बनी हुई है लश्करी खान सराय। यहाँ पर आने के लिए काफ़ी मशक्क़तें करनी पड़ती हैं। अगर आप बाइक वगैरह से आते हैं तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन अगर आप बस से आते हैं या किसी और चीज़ से आते हैं तो यहाँ पर दिक्कत होती है, क्योंकि ऑटो वगैरह भी यहाँ पर जल्दी से नहीं मिल पाता है यहाँ का आने के लिए। तो मैं भी यहाँ पर बड़ी मुश्किल से आया हूँ। तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो बाइक वगैरह से या तो आ सकते हैं, अगर बाइक से नहीं आए तो आप यहाँ पर ऑटो कर सकते हैं, क्योंकि बाइक वगैरह तो यहाँ पर मिलती नहीं है रेंट पर वगैरह पर। तो यहाँ पर ये सामने जो दिख रहा है ये दूसरा गेट है, और इसमें छोटे छोटे ये देखिए कमरे बनाए गए हैं, और इन्हीं कमरों के अंदर जो है सैनिक दस्ता रुका करता था, आम लोग भी इसके अंदर रुका करते थे। ये इसका गेट है जो लश्करी खान सराय आप देख रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत गेट बनाया गया है, काफ़ी बड़ा ये गेट है, और इसका अंदरूनी स्ट्रक्चर है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं सराय लश्करी खान का बोर्ड भी लगा हुआ है, और ये पीछे इसका बुर्ज है। इसके चारों तरफ आप देखेंगे ये कितनी दूर तक जाती है, और इसके आगे का ये भाग है जो पोर्शन है जो खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी उस टाइम पर शायद कुछ बना हुआ होगा, अभी तो फिलहाल सब कुछ खत्म है। ये एक सराय होती थी जो दिल्ली, लाहौर और आगरा से आने वाले लोग इसी लश्करी सराय में आकर रुका करते थे। ये देख सकते हैं यहाँ पर लश्करी सराय का बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ से रास्ता है, और ये गुरुद्वारा मंजी साहिब है। देख सकते हैं गुरुद्वारा मंजी साहिब के यहीं से, ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहीं से एंट्री होगी आगे की तरफ से। तो गाइस आप देख सकते हैं ये गुरुद्वारा मंजी साहिब है, और इसी के बराबर में यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, और इसी रास्ते से जो सराय लश्करी खान में एंट्री होगी। यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं सराय लश्करी खान का बोर्ड लगा हुआ है, और ये जो सराय आप देख रहे हैं सराय लश्करी खान, ये किसी किले से कम नहीं है। देखने में बिल्कुल ऐसी लगती है एक सराय जैसे कोई किला हो। इस सराय का इस्तेमाल जो लोगों के लिए किया गया था, जिससे जो बाहर से जो लोग आते थे तो वो यहीं पर रुका करते इसी सराय के अंदर। ये सराय पंजाब के उसके अंदर एक पायल है, पायल से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ये सराय है। तो यहाँ पर आने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए कुछ नहीं है। तो ये एरिया काफी सुनसान एरिया है, तो इसी एरिया से चलकर हम आगे देखते हैं। तो गाइज यहाँ से आप देख सकते हैं सराय लश्करी खान का ये बैक वाला हिस्सा है, साइड वाला हिस्सा है। इसके दो गेट है, एक गेट उस साइड है जो मैंने आपको आगे की तरफ दिखाया, वो वाला मेन गेट है, ये वाला बैक साइड से गेट है। तो इस गेट से भी एंट्री होती थी, उस गेट से भी एंट्री होती थी। ये देख सकते हैं इसका गेट जो है काफी खराब हो गया है, इसमें काम चल रहा है, रिनोवेशन का काम चल रहा है इसके अंदर। तो गाइज ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बैक साइड में, ये बैक साइड का गेट है सराय लश्करी खान का। यहाँ पर काफी जगह है पीछे की तरफ, यहीं से जो घोड़े आते थे, जो लश्कर आता था पूरा मुगल सल्तनत का, वो इसी दरवाजे से आता था पीछे की साइड से, और आगे की तरफ वो वहीं रुकते थे सराय के अंदर। चारों तरफ सराय इसमें बने गए।